आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें चैप्टर फोर क्या नाम है इसका हम्म एंड कास्ट पॉलिटिक्स हाँ किस चीज से उस धोखे की आदत तो डाल लो तो जीवन में होता रहेगा अब किस किस मामले किस मामले में हुआ ये बताओ कुछ नहीं मैंने क्या दिक्कत थी यहाँ तक आने में दिल्ली लोकल है ना आप तो कितनी ज्यादा सोचो आप आइएस होते तो ऐसा कर पाते पातेनेट को नहीं बोल सकते आप आई बनना है लेकिन वो वाली हरकतें है? है नहीं सोचो तो आप आई ऑफिसर हैं सुबह तो उठे आपको ऐसे लग रहा है कि हल्का सा बुखार है और अरे सुनो तो मान लो आपको लग रहा है दो डिग्री है मान लो तो क्या आप अचानक से छुट्टी बोल सकते फोन करके कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा एक आई ऑफिसर कभी नहीं बोल सकता ऐसे क्यों किसे बोलोगे बॉस खुद है बॉस ही नहीं जाएगा तो कैसे ऑफिस चलेगा जाना है चाहे फिर जाए बैठ के ऑफिस में काम कम करो लेकिन बैठना पड़ेगा आपको हम लोगों को बनना अधिकारी है लेकिन हरकतें अधिकारियों वाली है नहीं होती है तो नहीं बन पाओगे ऐसे घूमते रहोगे चलो चलो लिखो ये चैप्टर पढ़ेंगे आज जेंडर पॉलिटिक्स पहला पॉइंट रिलीजियस पॉलिटिक्स एंड कास्ट पॉलिटिक्स राइट विवेक कुमार गुप्ता गुड आफ्टरनून कौन है ये विवेक जी बाद में ये सब सवाल पूछना कि रिकॉर्ड एन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सब मुझे नहीं पता ये सब आप मैनेजमेंट से पूछे मेरा काम पढ़ाना है रिकॉर्ड क्लास मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता इस बारे में फीस कितनी है कम हो सकती है ज़्यादा हो सकती है ये सब मुझे नहीं पता ठीक है ये सब आप मैनेजमेंट से पूछो मुझसे केवल सवाल ऐसा पूछा करो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो ठीक है क्योंकि मैं जब पढ़ता था और मैंने सोच लिया कि मुझे उस कोचिंग में पढ़ना है उन्होंने कहा फीस कितनी है मैंने पूछा उन्होंने कहा इतनी मैंने क ले लो बात खत्म ठीक है टेस्ट सीरीज करने बजे मैं जाता था पी की फीस कितनी है उन्होंने कहा सोलह हज़ार मैंने ले लो बात खत्म मैंने अपनी लाइफ में जीवन में कभी नहीं कहा कि फीस कम कर लो मेन्स की फीस छत्तीस हज़ार रुपये है मेन्स टेस्ट सीरीज़ की थर्टी सिक्स और हर साल में टेस्ट सीरीज को लिखता था मतलब हर साल पीटी टी क्वालीफाई हो जाता था ठीक है छत्तीस हज़ार रुपये वो और पीटी की फिर बारह हज़ार मतलब पचास से साठ हज़ार रुपये की तो टेस्ट सीरीज केवल होती थी करना ही पड़ेगा उतना खर्चा वो तो नॉर्मल है और वो तो एक टेस्ट सीरीज है ऐसी दो टेस्ट सीरीज लिखनी पड़ती है कम से कम पीटी की और एक दो टेस्ट सीरीज रूम पे लगानी होगी तो पैसा मैटर नहीं करता इस तैयारी में समझे इसलिए तैयारी गरीबों की तैयारी नहीं होती है कंजूसी आप ये देखो जो करोल अरोग के जो लोग होते हैं वो स्टूडेंट जो है वो किस टाइप के स्टूडेंट है वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते पैसे की तरफ ठीक है मतलब पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो सोचो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना तो फिर एक चीज़ होती है कि मंगाया टेस्ट सीरीज के लिए है खर्च कहीं और कर रहे हो वो नहीं किसी और के लिए मंगाया उसमें से बचा के खर्च कहाँ करो टेस्ट सीरीज करना है कोचिंग करना है क्लासरूम करना है तो उन सब चीजों पर खर्च करना पड़ेगा नहीं ठीक है अभी बेचारे सॉरी बोल रहे हैं कोई बात नहीं ठीक है चलो अब देखो हमें आज पढ़ना है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर पॉलिटिक्स पे ठीक है आपने वीमेन एम्पावरमेंट सबने सुना होगा नारी सशक्तिकरण क्या है वीमेन एम्पावरमेंट इन वर्किंग सेक्टर केवल वर्किंग सेक्टर नहीं पॉलिटिक्स uh, का मतलब, है जेंडर, पॉलिक्स. पॉलिक्स के मतलब, है? के मतलब क्या है स्ट्रगल फॉर पावर मतलब कि ये जेंडर का कोई इश्यू है जिसके लिए क्या चल रहा है पॉलिटिक्स चल रही है लैंगिक राजनीति मतलब लिंग से जुड़ी हुई राजनीति की बात हो रही है राइट पूरा ह्यूमन जो हमारा सिविलाइजेशन है या ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें दो ही लिंग है मेल और फीमेल राइट जेंडर का मतलब होता है लिंग लिंग का मतलब है मेल मेल और फीमेल फीमेल बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन एंड उसको क्या बोलते हम लोग जेंडर बोलते ठीक है थीके? अभी देखो हम बात कर रहे हैं जेंडर पॉलिटिक्स की लेकिन जेंडर पॉलिटिक्स से बात करने से पहले हमें डिफरेंस समझना होगा सेक्स और जेंडर में राइट right? तो पहले एक छोटा सा पॉइंट लिखो लिखो देखो पहला एक छोटा सा हेडिंग बनाइए जेंडर डिफरेंस लैंगिक अंतर जेंडर डिफरेंस लैंगिक अंतर राइट जेंडर डिफरेंस लैंगिक अंतर देखो इट मींस इट मींस डिफरेंसेस बिटवीन इट मींस डिफरेंसेस बिटवीन बिटवीन मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल देखो इसका अर्थ है इसका अर्थ है महिला और पुरुष के बीच अंतर का अर्थ है महिला और पुरुष के बीच अंतर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ On the basis of, on the basis of structure of body, इसका अंतर है महिला पुरुष के बीच अंतर यह अंतर शारीरिक संरचना के आधार पर किया जाता है इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड यह अंतर शारीरिक संरचना के आधार पर किया जाता है इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड सेक्स एस जिसे लिंग कहते हैं कहा किया जाता है जिसे लिंग कहते हैं थोड़ा सा हेडिंग बनाओ न्यू हेडिंग डिफरेंस या डिफरेंसेस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर डिफ्रेंस बिट्वीन सेक्स एंड जेंडर हिंदी में लिखो सेक्स और लिंग के या जेंडर के बीच अंतर ऐसे लिख लो सेक्स तथा जेंडर लिंग के बीच अंतर हिंदी बोलते हैं लिंग राइट राइट इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखें It is, it is, it is natural or biological difference. It is a natural or biological difference. यह है पहले वाले में यह है प्राकृतिक तथा natural and biological यह प्राकृतिक तथा जैविक अंतर है प्राकृतिक तथा जैविक अंतर है। अंतर का मतलब क्या है डिफरेंस बोलो तो डिफरेंस अच्छी चीज होती है या बुरी चीज कल हमने बात समझी थी कि डिफरेंस अच्छा है जब उस डिफरेंस की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं तब वो डिवीजन सोशल डिवीजन और देन वो बाद में क्या पॉलिटिकल डिवीजन बन जाता है जैसे कंफ्लिक्ट हो सकता है बाद में डिस इंटीग्रेशन ऑफ नेशन या कंट्री तक भी हम पहुंच सकते राइट तो ये नेचुरल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस को क्या बोलते हैं सेक्स बोलते हैं राइट सेकेंड पॉइंट फिजियोलॉजिकल डिफरेंस फिजियोलॉजिकल ठीक है फिजियोलॉजिकल शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना का अंतर पहले वाले में ही सेक्स में ही लिखना है दूसरा पॉइंट फिजियोलॉजिकल डिफरेंस शारीरिक संरचना का अंतर राइट right? इसमें लिखो आप Gender first point. It is social structured, social structured, social structured division between male and female. हिंदी में लिखेंगे यह है महिला और पुरुष के बीच यह है महिला और पुरुष के बीच पुरुष के बीच समाज निर्मित विभाजन है समाज निर्मित विभाजन निर्मित विभाजन Second point it is it is based on it is based on it is based on social norms tradition it is based on social norms tradition and and culture yeah सामाजिक मूल्य यह है सामाजिक मूल्य परंपराओं तथा तो संस्कृति पर आधारित होता है संस्कृति पर आधारित इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे इंडियन सोसाइटी कहा किस आपके किस पेपर में है मीन्स में इंडियन सोसाइटी फर्स्ट पेपर में ठीक है सिलेबस में कहा लिखा है याद है नहीं इंडियन सोसाइटी में क्या आपका जो इंडियन सोसाइटी का जीएस मेंस का आपका सिलेबस है फर्स्ट पेपर का है, तो इंडियन सोसाइटी में क्या महिलाओं से विमेन से रिलेटेड कोई उसमें चैप्टर है क्या है महिला संगठन ठीक है देखो ऐसे थोड़ा सा चीजों को याद करो क्या है महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन तो आपको ये बात वहां पढ़नी पड़ेगी राइट ये बात वहां पढ़ाएंगे जो भी आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ाएगा वो बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर क्योंकि जब आप महिलाओं की समझना पड़ेगा और ये डिफरेंस केवल ऐसा नहीं कि है बुकस्ट डिफरेंस ये डिफरेंस डे टू डे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है राइट right? अभी हमने देखा कि इस टर्म का मतलब होता है सेक्स का मतलब होता है नेचुरल डिफरेंस कैसा डिफरेंस जैसे एक लड़का और लड़की पैदा होते हैं तो क्या नेचुरली डिफरेंस है बॉडी स्ट्रक्चर का क्लियर है जब उस बॉडी स्ट्रक्चर और यही बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल का मतलब होता है जब हम बॉर्न पैदा हो रहे हैं तो वो डिफरेंस है और इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जैविक संरचना तीनों का एक ही मतलब है नेचुरल बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चाहे संरचना शारीरिक संरचना का अंतर कह लो चाहे प्राकृतिक अंतर कह लो या फिर जैविक अंतर कह लो और जब ये ये डिफरेंस है क्या ये डिफरेंस से हमें ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये डिफरेंस होने से विमेन का रोल जो है सोसाइटी में कम है ये डिफरेंस जैसे कल हमने समझा था सिमिलरिटीज डिफरेंस एंड डिवीजन तो हमने कहा सिमिलरिटी क्या है मेल और फीमेल में क्योंकि दो तो ना एक ना गए दो हाथ मैंने कल बात करी थी लेकिन फिर भी बॉडी का एक स्ट्रक्चर डिफरेंस है तो ये जो डिफरेंसेज है कौन से डिफरेंसेज नेचुरल बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है उसके बेसिस पर हमने उनके साथ क्या किया डिस्क्रिमिनेशन किया और डिस्क्रिमिनेशन करके क्या कर दिया डिवीजन कर दिया डिवीजन ऑफ लेबर डिजन ऑफ वर्क डिवीजन ऑफ प्रोफेशन डिवीजन ऑफ एजुकेशन हर एरिया में लाइफ के एवरी में हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया जैसे जब हमने डिवीजन ऑफ लेबर किया तो उन्हें कौन से काम दिए हमने डोमेस्टिक वर्क दिए ठीक है घर के काम दिए डिवीजन ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी में भी हमने उन्हें कौन सा काम दिया ऐसा काम दिया जिसका पैसा उन्हें नहीं मिलता है विमेन्स जो भी काम करते वो अनपेड काम करते है. उसका उन्हें पैसा जैसे आप देखना घर में जो मम्मी लोग होती हैं बहनें हैं पूरे दिन काम करते रहती हैं वो मतलब पापा जाते हैं जॉब क्या है पापा की मान लो दस से पाँच है तो वो दस से पांच जाएंगे लेकिन उससे पहले मम्मी उठ जाती हैं और उनके आने के बाद भी काम पे लगी रहती हैं तो ये छह घंटे आठ घंटे पापा कर रहे हैं लेकिन उसके कंपेरेटिवली बारह घंटे काम कौन कर रहा है घर में लेकिन पापा को इस आठ घंटे का क्या मिलता है लेकिन इस बारह घंटे जो वो लगी हुई है उसका पैसा उन्हें नहीं मिलता है तो ये डिवीजन कैसे हो गया ऑफ 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 बोलते हैं डिवीजन 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 का लैंगिक विभाजन हमने लिंग के बेसिस पर, के बेसिस 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 पर 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 किसके सेक्स कर दिया of labor, of कौन से 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 काम और देखो इसी इसी क्या हुआ इकोनॉमिकली डिपेंड हो कहा? मेल पर. और जो है ये कहानी टी आपको समझा रही है

लोग कहते हैं कि पापा काम करते हैं लेकिन मेरी मम्मी तो मुझे लगता है दस से बारह घंटे घर पे काम करती तो उन्हें उसका पैसा क्यों नहीं मिलता ठीक है तो फिर वो टीचर बताते हैं कि क्यों नहीं मिलता तब फिर वो ये बात बता रहे हैं कि ऐसा हमने डिवीजन कर लिया डिस्फरेंसिस के बेसिस पर हमने क्या कर दिया डिविजन कर लिया राइट अभी देखो अब सवाल ये है कि ऐसा हो कैसे गया क्या लगता है आप लोगों को तो? ये डिफरेंसिस थे उस पर डिवीजन कैसे क्रिएट हो गया बोलो किसने ये कहानी जैसे मैंने एक नाम लिया था युवाल लुआ हरारी सुना तो मैंने बताया था उन्होंने एक किताब लिखी है होमोसेपियंस तो उन्होंने भी ये बात की है उस किताब में उन्होंने कहा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा मूवमेंट क्या है सबसे बड़ी सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है तो उन्होंने कहा ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इनके पास स्टोरीज बहुत होती है क्या होती है जैसे मैं क्या सुना रहा हूँ आपको और ये स्टोरी आपके दिमाग में बैठ रही है और ये इतनी गहराई से अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं तो ये बहुत दिमाग में अंदर बैठ जाती है ये बात और फिर इन बातों को आप किसी और को बताते हैं ये ट्रांसफर होती रहती है स्टोरी एक आदमी से लेके दूसरे आदमी तक तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ और जो डिविजन हो गया ये स्टोरीज है सब ठीक है कोई एक आदमी के दिमाग में एक बात आई होगी कि कंपेरेटिवली विमेन कौन ज्यादा पावरफुल है मेल और उसने स्टोरी बनाना शुरू किया होगा कहानियां बनाना शुरू किया होगा कहानी उसने लिखी होगी कहानी लोगों को बताई होंगी कहानी लोगों को सुनाई होंगी तो रिलीजन है हमारा हमारा कल्चर है हमारी सोसाइटी है हमारी सोसाइटी के फिलासफर्स हैं हमारी सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन सब ने इन बातों को क्रिएट किया और उन्होंने इन बातों को लिख दिया और एक टाइम तक हम लोग इन बातों को सही मानते रहे कि कंपेरेटिवली जो है महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होती हैं और हमने उनको घर के काम दे दिए और इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है जैसे जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं चाहे मनुस्मृति हो कुरान हो बाइबल हो आप सब किताबें पढ़ो लगभग किताबों में एक ही बात लिखी है क्या डोमिनेंस ऑफ मेल ओवर द लगभग बुक में लगभग एक ही कहानी है लगभग एक जैसी कहानी वो कहानी कहाँ से निकली वो कोई दिमाग वाले लोग रहे होंगे और जितने भी आप देखो कि जितने भी प्रॉफिट आए हैं जितने भी पैगंबर आए हैं जितने भी देवता आए हैं वो सब कौन है लगभग हंड्रेड परसेंट कौन है मेल कोई एक ऐसा देवता का नाम बताओ जो फीमेल हो एक ऐसे गॉड का नाम बताओ जो फीमेल हो गॉड देवी देवी किसके साथ में रहती हम्म, काली जी हैं। दुनिया को किसने बनाया दुनिया को बनाया किसने कौन है क्रिएटर दुनिया का जेनरेटर कौन है ब्रह्मा ऑपरेटर कौन है और डिस्ट्रॉयर कौन है ब्रह्मा विष्णु गॉड यही गॉड है गॉड की डेफिनेशन, जी ओ डी जेनरेटर ऑपरेटर एंड यहाँ कोई महिला है कहाँ है विष्णु के साथ वो रहती है उनका काम क्या है विष्णु जी के पैर दबाते रहना, राइट right. दिखाया गया शंकर जी के साथ पार्वती रहती है उनका काम क्या है केवल उन्हें भांग बना के पिलाना हाँ सीरियसली यही काम है <coughs> क्या सुनो क्या विष्णु जी के साथ ब्रह्मा जी के साथ कोई महिला को जोड़ा गया किसे जोड़ा गया सरस्वती जी फोटो में कभी रहती हैं ब्रह्मा क्या ब्रह्मा जी की शादी हुई थी हम्म तो वो कह रहे हैं कि दुनिया को सुनो इस कहानी से युवाल हरारी ने हवा में बात तो नहीं करी होगी इतना बड़ा थिंकर है उसने कहा इस कहानी से पता चलता है कि दुनिया को बनाने में महिलाओं का को कोई योगदान नहीं है हाँ दुनिया को चलाने में और दुनिया को विनाश करने में योगदान हो सकता है तभी तो विष्णु जी के साथ और शंकर जी के साथ हैं ये हंसने वाली बातें नहीं ये सीरियस मोड पर बातें हो रही हाँ सच में ये ऐसी कहानियां हैं और उन्ही कहानियों से आज जो महिलाओं की कंडीशन है वो इन्हीं कहानियों से स्टोरीज ये स्टोरीज कौन क्रिएट कर रहा है किसने बनाई ये कहानी है कोई ना कोई दिमाग वाले तो लोग रहे होंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसोरी इंटरनेट ऑफ थिंग क्या एक कहानी है केवल ये किसने विष्णु ब्रह्मा जी के साथ कोई औरत नहीं जैसे आप मुस्लिम धर्म की बात करो इस्लाम जब कुरान पढ़ोगे तो उसमें बात आई है एक वर्ड ईश्वर के लिए वर्ड यूज हुआ है अल्लाह कौन सा अल्लाह ये ही है नॉट सी जब आप अल्लाह का कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ोगे तो ये क्या है अल्लाह कहता है अल्लाह ऐसा करता है तो मैंने एक मौलाना से पूछा मैंने कहा क्या ऐसे नहीं कर सकते कि अल्लाह कहती है अल्लाह करती है उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का नाम क्या है मैंने कहा ये उन्होंने कहा उनका नंबर है मैंने कहा मुझे लगा ये कुछ बात करना चाह रहे होंगे उसने कहा कि आपका लड़का जो है वो पागल हो चुका है सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि ये इसको सुधारो इसको कहीं भेजो किसी वो बोले इंग्लिश पढ़ाई कर करके दिमाग से ये लोग निकल चुके हैं तो मैंने कहा कि आप मुझसे ही ये बात बोल देते घर पे बोलने की क्या जरूरत थी तो बोले उन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया उनका आंसर मुझे ठीक लगा उन्होंने कहा कि तुम्हारे कानों पर आंखों पर पर्दे पर पड़ पर चुके हैं अब मैं भी मैं तुम्हें जो समझाऊंगा वो तुम्हें समझ नहीं आएगा और ये पर्दे जो है वो दूसरी शिक्षा के हैं तुम्हें ये शिक्षा लेनी चाहिए मैंने मुझे तो सवाल का आंसर करो तो शिक्षा कौन सी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए क्या हम उसके लिए सी वर्ड का यूज नहीं कर सकते कहती नहीं कह सकते बोले नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि कुरान में ऐसा ही लिखा है और ऐसा लिखा है इसलिए आप नहीं कह सकते अब देखो जीसस कौन है ईसा मसीह कौन है परम पिता परमेश्वर के पुत्र किसके उन्होंने कहा कि परम पिता परमेश्वर पिता ही क्यों कहा <laughs> माता क्यों नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैं किसका पुत्र हूं उन्होंने ये नहीं कहा मैं गॉड हूं मैं भगवान हूं उन्होंने कहा कि मैं परम पिता परमेश्वर का पुत्र हूँ तो पिता क्यों है उनको पैदा करने वाला दुनिया को बनाने वाला पिता क्यों है कहानी कहां से निकली हमें नहीं पता कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं उनमें क्या लिखा हुआ है और महिलाएं जो है उन्हीं को पढ़ती रहती है इन ग्रंथों को जैसे मेरी भाभी कई बार भी है कुरान वो खूब महिला से पढ़ रही है जैसे मान लो घर में कोई एक्सपायर कर जाता है तो कुछ कुरान पढ़ के वो बांट दिया जाता है मरने वाले को तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है एक दिन वो पढ़ रही थी तो मैंने कहा कि इसमें क्या लिखा है पता है तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं बाद में बात करना पहले बदतमीजी नहीं <laughs> बाद में बात करेंगे मैंने कहा कर, ठीक है बाद में कर लेंगे तो जब सब मामला निपट गया मैंने पूछा कि इसमें लिखा क्या है उन्होंने कहा कैसे पता चलेगा अरबी में है मैंने कहा मैंने इसका इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा इसमें आपके बारे में कुछ गलत लिखा है उन्होंने कहा फिर बदतमीजी वाली बात नहीं जो भी लिखा है पर अच्छा है हम इसी को पढ़ेंगे राइट right? महिलाएं खुद अपने लिए ही बुरी बातें निर्भर पढ़ती रहती हैं धार्मिक ग्रंथों में वही वैल्यू दूसरों को दे रही हैं इसे कहते हैं परसेप्शन है बीमेन का अपने लिए ही ठीक है वो बात की बात है लेकिन ये कहानियां कहां से निकल कर आ रही है ये बुक ये कल्चर है हमारा क्या है ये ट्रेडिशन जैसे मैंने कहा ये जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कैसा है सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंस डिफरेंस है डिविजन है और ये कहाँ से निकल कर आया कल्चर से निकल कर आया और वो कल्चर किसने बनाया कुछ लोग बनाया तो सारे जो रिलीजन है रिलीजन इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन द वर्ल्ड एट अ प्रेजेंट टाइम भी और हमेशा से था है और रहेगा रिलीजन को इम्पॉसिबल लगभग वन परसेंट ऑफ पूरी दुनिया के लोग हैं जो रिलीजन को नहीं मानते नाइनटी नाइन परसेंट किसको मानते हैं हमें से ऐसा एक आधी आदमी होगा जो नास्तिक होगा बाकी सब कैसे हैं रिलीजन को मानने वाले ऊपर से कह दो नहीं मानते लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है तो चलो भगवान जी को प्रसाद बहुत खुशी में भगवान याद आता है वो बहुत मानते हैं हम कहीं ना कहीं तो ये जो रिलीजन का फैक्टर है रिलीजन की जो स्टोरीज हैं तस्लीमा नसरीन ठीक है सलमान रूसदी सलमान रूसदी बिंडी फ्रैंकलिन इन बिंडी फ्रेंकलिन बहुत बड़ी राइटर है अमेरिका राइटर उन्होंने कहा कि ये स्टोरीज कहाँ से निकल कर आ रही है ये कौन बता रहा है कि चाहे वो हिंदू रिलीजन हो इस्लाम रिलीजन हो या क्रिश्चियन रिलीजन हो उसमें ये गॉड जो है दुनिया को बनाने वाला वो मेल ही क्यों है कौन है मेल पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई मैंने पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी सालों साल एक फिलोसफर मिली जो कि महिला थी अन्ना हारेंट सोक्रटिस से लेके जॉन रोल्स तक सभी फिलोसफर कौन है समझ रहे बात तो ऐसा क्यों है बोलो जितने भी पैगंबर हैं जितने भी ईश्वर के देवदूत हैं वो सब कौन है मेल है और अगर रखा गया है वहां फीमेल को तो वो किस लिए रखा गया है हाँ वो सेवा के लिए रखा गया है किसकी सेवा के लिए <coughs> तो ये कहानी है कहाँ से आई इन कहानियों ने ये जो सेकंड पॉइंट लिखा ना हमने क्या लिखा उसमें सोशल वैल्यूज नॉर्म्स ट्रेडिशन एंड कल्चर यही है ये कल्चर इसी कल्चर ने ऐसी उन स्टोरीज ने क्या बना दिया इस सेक्स का जो नेचुरल डिफरेंस था उसमें क्या बना दिया ठीक है समझे पूरी बात को कहानी को तो ये कहानियां है जो हैं ये कहानियां कहने की हमारी जो आर्ट है हम लोगों की कहानियों का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हमें दादा दादी कहानियां सुनाते थे आप जो भी सुन रहे हो वो सब स्टोरीज हैं ये ये डिफरेंस सुन रहे हो ये भी सब स्टोरीज है मैं जो बातें कर रहा हूँ सब तो ये कहानियां क्रिएशन करने की हमारी जो पावर है वो आगे जाती, जाती रहती है कहाँ जाती रहती है आगे बढ़ती रहती है राइट तो ये डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ ये बात समझ आई किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस डिफरेंस को सोशल डिवीजन में बदलने में क्या किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है रिलीजन का और हमारे कल्चर का हमारे वैल्यूज का हमारे ट्रेडिशंस का हमारे फिलोसफर्स का इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन स्टोरीज को क्रिएट करने में और हमारे जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं वो सब इसी बात से भरी हुई है जैसे जब आप कुरान को पढ़ोगे उसमें लिखा है कि अगर आपको किसी बात की सच्चाई पता करनी है तो एक आदमी ने कहा उस बात को गवाह आपको लेके जाना है तो एक आदमी को लेके जा सकते पुरुष एक अगर उसमें मान लो कोई इवेंट हुआ और उसमें गवाहों की जरूरत है इवेंट चाहिए एविडेंस आई और एक अगर वो मेल है तो एक ही चला एक ही बोल सकेगा उसकी गवाही हम मान लेंगे लेकिन अगर फीमेल है वहां और मेल नहीं था तो कितनी चाहिए दो चाहिए हाँ दो चाहिए अरे ऐसा क्यों ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली लेना है कि किसी भी एक रिलीजन की बात हो रही है सभी की हालत वही है ले दे के सब वही टिके हुए हैं क्योंकि कुरान किसने लिखी ऐसा कहना भी अपराध है कि कुरान पैगंबर मोहम्मद ने लिखी वो तो कहते हैं वो तो ऊपर से आई ठीक है ठीक है मान लिया कि ऊपर से आई उन्होंने उस बात को लोगों को बताया बाइबल भी कहाँ से आई ये सब कौन सी किताबें हैं आसमान से आई हुई किताबें ईश्वरीय वाणी है ये सब गॉड ने कहा है जो भी इन बुक्स में लिखा है वेद किसने लिखे किसी ने नहीं लिखे वो सब ईश्वरीय ज्ञान है वो सब नहीं किसने लिखे सबको ऐसे लगता है मुसलमानों को लगता है कुरान साइंटिफिक है

ये जो किताबें लिखी वो मामूली लोगों ने तो लिखी नहीं है उन्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा तभी तो वो अपने दौर के सबसे बड़े फिलासफर्स थे जो वेद लिख रहे हैं जो कुरान लिख रहे हैं जीसस जो हैं मतलब जीसस जो थे या जो मोहम्मद पैगंबर थे वो कोई मामूली लोग तो नहीं रहे होंगे अगर उन्होंने अपने टाइम के सभी लोगों को चुप करा दिया इसका मतलब उनके पास कुछ तो ऐसा नॉलेज होगा राइट तभी तो उन्होंने चुप कराया ना सबको तो उनमें साइंटिफिक होगा नहीं होगा वो अलग मैटर है वो हमारे एरिया नहीं है हमारा एरिया है कि इन बुक्स ने और इनमें जो कहानियां हैं उन स्टोरीज ने क्या बनाया स्थिति क्रिएट करी ये सिचुएशन क्रिएट करी और ये सिचुएशन क्या है क्या है जेंडर पॉलिटिक्स और यही क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और यही क्या है जेंडर डिविजन ऑफ द सोसाइटी राइट चलो ये बात समझ आ रही है अब यहां लिखो ये जो पॉइंट लिखा है हमने कल्चर वाला ये वाला बात अभी पॉइंट यहां लिखो लिखो राइट right? लिखो differences between differences between male and female on the basis of differences between male and female on the basis of sex, sex on the basis of sex converted Converted into, into, into discrimination, discrimination, converted into discrimination, and resulted, resulted, resulted social division. सोशल थर्टी डिग्री राइट ये डिफरेंस था हमने ऑन द बेसिस डिस्क्रिमिनेशन किया और वो क्या रिजल्ट आ गया सोशल डिविजन आप लोग लिखो कि महिला और पुरुष के बीच महिला और पुरुष के बीच <coughs> महिला और पुरुष के बीच सेक्स के आधार पर सेक्स के आधार पर जो अंतर विद्यमान था के आधार पर जो अंतर विद्यमान था तो विद्यमान था बाद में यह अंतर बाद में है अंतर भेदभाव का आधार बना बाद में अंतर भेद भाव का आधार बना और यह भाव महिला पुरुष के बीच महिला पुरुष के बीच महिला पुरुष के, के बीच सामाजिक विभाजन की रूप सामाजिक विभाजन के रूप में सामने आया जैसे हम ये बात कर रहे थे देखो एक एक, एक समझ की हम ये बातें कर रहे हैं आपका ये कहना कि बेदाद जो है साइंटिफिक हैं अगर ये ऐसी ही बात आपने इंटरव्यू में कर दी तो इसका क्या मतलब है कि आपके सारे किए हुए पे पानी इसका मतलब है कि आपने ये बता दिया उन्हें कि मैं कौन सी आइडियोलॉजी का हूं राइट right. मुझे बेदाज पसंद है नहीं होने चाहिए होने चाहिए लेकिन हम ये बताएं क्यों हाँ, अगर आपको ठीक हाँ, है क्या इसका मतलब है कि आप उन्हें ये बता रहे हैं कि मैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से दबा हुआ हूं नीचे और यू आर आप ओपन माइंडेड आदमी नहीं है जब समझना जब आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से पीड़ित होते हैं तो इसका मतलब है आपने और विचारों और आइडियाज के आने के लिए जो है वो रास्ता बंद कर रखा है आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हम हैं ऐसे लेकिन हमें ऐसे मैक्यावली ने ग्रेट पॉलिटिकल फिलासफर मैक्यावली ने क्या कहा कि उसने सजेशन किए टू द किंग्स उसने कहा कि राजा के लिए किंग के लिए जरूरी है कि जैसा वो है वैसा दिखे ना मैं बहुत इस्लामिक रिलीजियस पर्सन हूं क्या मुझे जरूरी है कि इस क्लास में ये बताऊं कि मैं इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति हूँ अगर मैं ऐसा बताऊं कि मैं इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स हूं तो क्या आप लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे लिए चेंज नहीं हो जाएगा राइट right? मैं हूँ मान लो मैं हूँ मैं नहीं हूँ अगर मैं हूँ मैं हूँ तो मुझे नहीं बताना है <coughs> समझना एक आई को <coughs> मैं जिलाधिकारी हूँ डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूँ मैं इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स हूँ मैं पांचों टाइम नमाज पढ़ता हूँ तो क्या मुझे अपने जिले के लोगों को ही बताना जरूरी है कि मैं की पढ़ता है? क्या मुझे भी हमारी पर्सनैलिटी से ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम किस आइडियोलॉजी के अप्रोच है, के हैं क्योंकि उन्हें आइडियोलॉजी वाला आदमी चाहिए नहीं उन्हें अप्रोच वाला आदमी उन्हें क्या चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच वाला आदमी किसको मानो आप अगर आप बेदाज को साइंटिफिक कह रहे हो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो बहुत सारी चीजों का अगर आपने ये बोल दिया ऐसे ही मैंने ये बोल दिया कि कुरान साइंटिफिक है इंटरव्यू वहीं शुरू हो जाएगा सर फिर तो वो कहाँ चले जाएंगे आपकी पर्सनालिटी, ऐसा नहीं केवल इंटरव्यू तक उसके बाद भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी पूरी पर्सनालिटी पे तो हमें रहो बिल्कुल रहो मैं भी हूं सब हो सकते हैं लेकिन हमें क्या नहीं बताना है हमें अपनी पर्सनैलिटी पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है जिससे लोग ये कह पाए हमारे बारे में कि ये आदमी ऐसा यही अप्रोच है एक सिविल सर्वेंट की आप देखो ना हर आदमी से डील करना है आपको आपको हिंदी कम्युनिटी से डील करना है मुस्लिम कम्युनिटी से डील करना है क्रिश्चियन कम्युनिटी से डील करना है से डील करना है राइट आप ऐसे नहीं हो सकते कि मैं पुरुषवादी सोच का आदमी हूँ आपको विमेंस ऑर्गेनाइजेशन से भी डील करना है तो आपको लिबरल अप्रोच का आदमी होना चाहिए तभी तो इतना पढ़ा रहे हैं वो आपको और आप उसे ये बता रहे हो कि नहीं मैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से बंधा हुआ तब तो दिक्कत है और ये आपके आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है साइकोलिज्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो ये इसलिए इतना पढ़ाया जा रहा है कि हम कैसे हो जाए डेमोक्रेटिक हो जाए और बदमाश चालाक कैसे इसको कहते हैं बदमाशी चालाकी रहो जैसे हो अंदर से लेकिन कभी भी दूसरे को नहीं पता चलने दो कि हम ऐसे हैं जैसे जैसे हो वैसे रहो कोई इशू नहीं रहना पड़ेगा चालाकी सीखनी पड़ेगी आपको आपके आंसर राइटिंग में नहीं दिखना चाहिए कि आप पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से कनेक्ट हैं ऐसे मुझे सब दुनिया की सबसे अच्छी आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी लगती है लेकिन शायद आज तक आप लोगों को नहीं पता चला होगा मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कहूंगा ठीक है मुझे सबसे ज्यादा पसंद बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी पर्सनली राइट क्योंकि वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल आस्पेक्ट में नहीं एज ए पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी लेकिन मैं हमेशा उसकी बुराई करता हूँ कि वो वो बुराई भी कर सकते हो आप लेकिन आप नहीं पता करने दो अपने आप को कि आप क्या हो आप अगर ऐसा पता होने दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कुछ तो दिक्कत है उसको सुधारना इन चीज़ों को हमें काम करना है इस पर ठीक है चलो बात क्लियर है क्या समझ आई पूरी कहानी से इस बात से क्या समझ आया कि जो नेचुरल डिफरेंस था जो बायोलॉजिकल डिफरेंस था जो डिफरेंस था उसके बेसिस पर हमने क्या कर दिया राइट right? अब ये जेंडर जो है अच्छा आर्टिकल 15 और 16 किसकी बात करते हैं किसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा क्या टर्म आया है जेंडर आया है क्या आया है ठीक है नो no डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ वर्क मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं पब्लिस प्लेस पर कि कोई मेल है या फीमेल है राइट right? लेकिन जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं इसका क्या मतलब है कि जेंडर के बेसिस पर कर सकते हैं क्या हम कुछ ऐसे पार्क पार्क बना सकते हैं जो केवल फीमेल के लिए हो क्या हम मेट्रो के दो डब्बे जो है शुरू के वो रिजर्व कर सकते हैं फीमेल के लिए कर सकते हैं होते हैं कभी चढ़ मत जाना गलती से आगे होते हैं पीछे होते हैं हाँ, मत जाना और दूरी रहा करो एक डब्बा उससे हाँ मत चढ़ा करो उसमें हाँ. कर रहे हैं लेकिन वो अपलिफ्टमेंट है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वो अपलिफ्टमेंट है वो डिस्क्रिम वो मेल के साथ यही तो है कि मेल ये बोल सकते हैं कि आप ऐसा क्यों हो जेंडर बेसिस पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और देख लो फिर से समझ लो एक बार गलती से मत चढ़ जाना वहां फाइन है बात दो सौ की नहीं है वहां आपको ऐसी निगाह से देखा जाएगा कि खुद ही डर जाओगे कि मैं कहाँ आ गया वो सब लड़कियां लड़कियां होती हैं उसमें ठीक है हाँ जेंडर में असमानता जेंडर में असमानता ही है यहां असमानता नहीं है ये अंतर है समझ गए बात ये असमानता ही है बोलो अच्छा क्या है ये या ये अच्छा ये चाहिए? हमने इसके आधार पर महिला पुरुष के बीच असमानता को बना लिया वही तो जेंडर है ये समाज ने बनाया है यही समाज ने बनाया जैसे कल ही मैंने एक सवाल पूछा था कि ये बड़े वाले क्यों रखती हैं लड़कियां इन्हें नहीं पता इन्हें ये नहीं पता आप देखो सब रखते हैं इसलिए रखती है इन्हें ये भी नहीं पता देखो इन्हें ये भी नहीं पता मैंने पहले भी आप बात करी होगी इन्हें ये भी नहीं पता कि शादी होने के बाद ये क्यों मांग भरती हैं लड़के क्यों रखते हैं हाँ बिल्कुल रख सकते हैं लेकिन सुन लो लेकिन लड़कों के लिए लंबे बाल रखो कैसे बाल रखो चलता है लेकिन सोचो कि एक लड़का एक लड़की ऐसी हो जो बाल नहीं रख रही है तो वो थोड़ा अलग दिख और दूसरी बात शादी होने के बाद लड़कियों को ही क्यों ऐसे आभूषण धारण करने पड़ते हैं जिससे पता चले कि शादी हुई है यही तो सवाल है राइट ये नहीं सीरियसली ये सवाल है ये कौन से सवाल है ये सोशल स्ट्रक्चुअलेशन है।, है समाज निर्मित सोचो एक लड़का लड़की की शादी हुई तो सच में ये पता चल जाता है कि इस लड़की की शादी हुई है लड़के के बारे में नहीं पता चल रहा है ऐसा क्यों आखिर आखिर क्यों लड़कियों को ही पता होना और इनकी बात सही है कि कहाँ भेजना है लड़की को कहा जाना है क्यों क्योंकि 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 पुरुष मेल के पास क्या है पैसा है। मेल के पास क्या है पैसा है ठीक है अभी हम लोग लिख रहे हैं चलो हमने लास्ट पॉइंट लिखा सोशल डिवीजन हमने क्या कर लिया डिफरेंसेस के बेसिस पे क्या बना लिया सामाजिक भेदभाव बना लिया अब नीचे पॉइंट लिखो एक सोशल डिवीजन नेक्स्ट पॉइंट लिखो सोशल डिवीजन सोशल डिविजन सामाजिक विभाजन हाँ नया सामाजिक विभाजन राइट right? इसमें लिखो सामाजिक विभाजन इसमें नीचे लिखेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट एंड प्राइवेट डिवीजन देखो सार्वजनिक और निजी विभाजन सार्वजनिक और निजी विभाजन पब्लिक एंड प्राइवेट अभी देखो ये है सार्वजनिक और ये क्या है निजी विभाजन अभी बोलोगे पब्लिक वर्ग किसके पास है राइट right? किसके पास है अगर हम पहले पॉइंट पर बात करें सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर पहला पॉइंट तो पब्लिक वर्क किसके पास है मेल के पास प्राइवेट वर्क किसके पास है फीमेल के पास और फीमेल के पास प्राइवेट में कौन से डोमेस्टिक डोमेस्टिक वर्क है इनके पास घरेलू कार है देख लो इसको हिंदी बोलते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन लैंगिक भाजें ठीक है सार्वजनिक कार है पुरुषों के पास और महिलाओं के पास है घरेलू कार मान लिया हमने कि नेचुरली बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली बच्चे को बॉर्न करना किसकी रिस्पांसिबिलिटी है मान लिया हमने क्योंकि लगभग सभी एनिमल्स ऐसा ही करते हैं ऐसे ही होता है सब एनिमल्स ऐसे करते हैं लेकिन सवाल यह है कि ये कहाँ लिखा है कि उस बच्चे का पालन पोषण जो है वो महिला ही करेगी राइट right? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की हो सकती है लेकिन हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी फीमेल के पास तो ये क्या है ये प्राइवेट है प्राइवेट फंक्शंस किसके पास है प्राइवेट फंक्शंस किसके पास है, है। फीमेल के पास और देख लो ये जो सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर है ये पेड है राइट इसका पैसा मिलता है इसका पैसा मिलता है क्या इसका पैसा मिलता है ये अनपेड है राइट देख लो समझ रहे हो बातों की नहीं हम्म हम्म, नहीं तो सवाल ये है कि देखना गाय भी एक समय तक ही पालती है उसके बाद छोड़ देती है ठीक है वो भी एक समय के बाद वो बच्चे अपने से घूमने फिरने लगते हैं और खाने पीने लगते हैं जब तक कि प्राकृतिक रूप से माँ बच्चों को दूध पिलाने के लायक होती तभी तक होता है ना उसके बाद वो लेकिन हमारे यहाँ स्कूल जा रहा है वो अभी तक भी कौन ध्यान रख रहा है पापा से कनेक्टिविटी ही नहीं है राइट हाँ पापा से डरे हुए हैं आंखें आंखें नहीं डाल पाते मम्मी से मम्... पापा के और मम्मी के तो पर्स छीन लेते हैं हम लोग ठीक है तो ये बात वो नेचुरली जहां तक है वो तो ठीक है वो सभी लोग वैसा ही कर रहे हैं लेकिन उसके आगे किसने बनाई ये व्यवस्था आखिर बच्चे के लिए टिफिन बनाना माँ का ही काम क्यों है राइट बच्चे को ड्रेस पहनाना माँ का काम का का क्यों है बच्चे को नहलाना माँ का काम का... आप देखो बच्चों के लिए जो टीवी पे ऐड आते हैं उन सब में कौन रहता है हमेशा मम्मी रहती है बच्चों के साबन से नहला रही हो बच्चा हंस रहा है उसे नहीं पता बेचारा वो क्या कर रहा है जो की और ऐसा क्यों कर दिया ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि पेड पैसा काम किसने ले लिए मेल ने ले लिया और अनपेड काम अब ऐतनिक काम किसको मिल रहे हैं महिलाओं को मिल रहे हैं और इस वजह से उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी किस पर हो रही है राइट लिख लो यहाँ, इससे क्या हो रहा है पुरुष जो है आर्थिक रूप से संपन्न है ऑन द मेल ये आर्थिक रूप से संपन्न है और ये आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर है महिलाएं आर्थिक पुरुष आर्थिक रूप से संपन्न है और महिलाएं क्या है हाँ डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली ऑन राइट अब देखो इससे क्या हुआ ये मान लो ये, ये, ये भी एक स्टोरी थी ऐसा हो गया क्या हो गया कि जो सेक्स था उसके बेसिस पर हमने डिस्क्रि... जो सेक्सुअल डिफरेंस है उसके बेसिस पर हमने डिस्क्रिमिनेशन किया और सोशल डिवीजन हो गया और डिवीजन क्या हो गया पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन कर दिया ठीक है पब्लिक वर्क किसे मिला मेल को मिला और प्राइवेट वर्क किसे मिला ठीक है और पब्लिक में जो पेड था काम वो किसने ले लिया और प्राइवेट किसको मिल गया इसलिए फीमेल्स इकोनॉमिकली डिपेंडेंट किस पर है तो और इसका क्या आउटकम हुआ होगा इनकी लिटरेसी रेट ज्यादा है इनकी लिटरेसी रेट कम ये भी एक आउटकम है राइट इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज्यादा है और इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये सब बातें लिखते जाओ जाऊं लिखना है साक्षरता दर पुरुषों की ज्यादा होगी इस वजह से और महिलाओं की साक्षरता दर कम है इनका राजनीतिक सहभागिता अधिक है इनकी राजनीतिक सहभागिता कम ठीक है लिटरेसी रेट ज्यादा है उनकी लिटरेसी रेट कम है इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और ज्यादा है उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कम है इसे साक्षरता दर ज्यादा है उनकी साक्षरता दर कम है इनकी राजनीतिक सहभागिता ज्यादा है उनकी राजनीतिक सहभागिता कम है समझे बात और क्या चैलेंजेस है बोलो इनके सामने और क्या प्रॉब्लम देखो सोशल स्टेटस क्या है इनका सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी ज्यादा है इनका सोशल स्टेटस कम है सोशल स्टेटस कम है एक सवाल सब, एक ही है सवाल क्या एक है लड़का कहा पढ़ता है दिल्ली में अच्छा ठीक है लड़की कहां पढ़ती है दिल्ली में तो रहती कहां है अगला सवाल आएगा राइट रिलेटिव अकेले अकेले रहती अकेले कैसे रह लेती है अरे क्यों नहीं रह सकती लड़की अकेले ठीक तो है लड़का मुखर्जी नगर में गांधी बिहार में नेहरू बिहार में कहीं भी रूम लेके रह सकता किसी फ्लोर पे लेकिन लड़की रूम लेगी तो पापा पच्चीस बार पूछेंगे कहा रूम ले पीजी रहो पीजी ज्यादा सुरक्षित है आखिर वो कौन सी सामाजिक स्थिति है कौन सा सोशल इनवायरमेंट है जिसमेंट है। है सामाजिक पर्यावरण हमने कैसे बना लिया कि एक लड़की रात में बारह बजे अकेले नहीं घूम सकती है एक घटना है कि एक मैं जहाँ रहता था वहां एक खबर हुई कि रात में कोई लड़की तीन बजे चार बजे पार्क में बैठी हुई थी तो कुछ लड़कों ने उसको छिड़खानी कर दी परेशान कर दिया तो मेरे साथ जो थे और सीरियसली मेरे दिमाग में भी सवाल यही आया कि तीन चार बजे वो कर क्या रही थी राइट right? सवाल था सवाल था लेकिन मैंने पूछा नहीं उसने पूछ लिया तो सामने वाले ने कहा कि क्यों नहीं निकल सकती लड़की तीन चार बजे लेकिन मेरा आंसर ये था कि इसलिए नहीं निकल सकती कि हमें भी तीन चार बजे रात में नहीं निकलना चाहिए एक वो पर्सपेक्टिव हो सकता है लेकिन आखिर हमारा सोशल इन्वायरमेंट ऐसा क्यों है कि कोई लड़की तीन चार बजे रात को अगर अकेली पार्क में बैठी हुई मान लो डिप्रेशन है कुछ भी है तो क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि मान लो वो लड़का होता तो क्या हम वहां जाके उससे बदतमीजी करते ले ये सोशल एनवायरमेंट क्रिएट कहां से हो रहा है कि जैसे ही हमने किसी लड़की को देखा अकेले बैठे और हमने बदतमीजी शुरू कर दी तो ये क्या है ये ये पित्र सत्तात्मक समाज है कौन सा समाज है पित्र सत्तात्मक पेट्रियॉरिकल सोसाइटी है ये ये सोसाइटी ये ये स्टोरी है हमारे पास स्टोरी है किसके पास है ये मेल के पास स्टोरी है कि कोई लड़की रात में तीन चार बजे अकेली नहीं घूम सकती है ये स्टोरी कहाँ से आई और जैसे हमने देखा कि वो अकेली घूम रही है इसका मतलब है ठीक नहीं है एक परसेप्शन है हमारे दिमाग में तो ये स्टोरीज कहाँ से क्रिएट हो रही है ये पेट्रीलिकल सोसाइटी है पितृसत्तात्मक समाज है अगर हमें बचपन से यही सुनाया जाता कि लड़का लड़की सब बाहर एक जैसे घूम सकते हैं तो क्या हम ऐसा सोच पाते है? नहीं सोच पा रहे तो ये स्टोरीज क्रिएट करने में कंट्रीब्यूशन जो है वो जो हमने बात करी वो सब उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है ठीक है और लड़कियों को भी पता है कि नहीं जाना चाहिए और लड़कों को पता है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए तो ये कहाँ से कौन सा कल्चर है कौन सी वैल्यूज है कौन से ट्रेडिशन है पितृ सत्तात्मक सोच नहीं बता। बिल्कुल वो नीनो तो बनाया है इसलिए उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई कर लिया हाँ लड़कियों के साथ ऐसा ठीक है ठीक है अरे ठीक है हो मान लो हो गया सुन लो सुन लो हो गया मान लो ठी... अरे हो गया भाई हो गया ठीक है मान मान लो, चलो, मान लो लो चलो सवाल ये है सवाल ये है सीरियसली अगर हम बहुत आराम से सोचे कि एक लड़का और एक लड़की अलग अलग दो हैं और रात में कुछ दो तीन बजे के बाद है तो संभावना किसकी ज्यादा है क्यों वो सोशल इन्वायरमेंट कहाँ से ये सामाजिक पर्यावरण कहाँ से क्रिएट हो रहा है मैं घूम सकता हूँ बिल्कुल जा सकता हूँ और मैं चला भी जाता हूँ कई बार मुझे डर नहीं है क्या कोई लड़की बिना डरे हुए जा सकती है आखिर गलती किसकी है इस पर ये सोच की गलती है सत्तात्मक सोच की है। गलती हम कहाँ ढूंढते हैं कि वो लड़की क्यों बाहर घूम रही थी वो एक पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है लेकिन गलती यहां ये हमारे सोच की है ठीक है हाँ नहीं मान सकते जब लड़का तीन बजे घूम सकता है तो लड़की क्यों नहीं हुँ. हाँ तो वो जो मेल है जो फीमेल है उस परिवार में उस लड़के के तो सवाल ये है वो फीमेल भी तो कहीं ना कहीं इसी सोच से पीड़ित है वो बेचारी वो तो ये तो घटना तो आज की थोड़ी है तो सालों की बात चल रही है ना और फीमेल बाद में वही वही सब बातें पढ़ वो खुद ये मान लिए मान लिया है उस फीमेल ने कि ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए क्या गलती उसकी नहीं है ये सोच की गलती है अगर वो फीमेल ने अपनी बच्ची को ये बताया कि आपको बाहर नहीं जाना है तो गलती फीमेल की नहीं है इस इस सोसाइटी पैट मेंिटी की सोच है पित्र सत्तात्मक समाज और पित्र सत्तात्मक सोच और वो सोच कहाँ से निकली वो हमने बात करी कल्चर से वो निकली है वैल्यूज ट्रेडिशन से तो वो गलतियां वहां हमें नहीं ढूंढ सकते क्योंकि हमने पूरा एक एन्वायरमेंट बना रखा है एक पर्यावरण बना रखा है उस कहानी में कहीं गलती है ही नहीं उनकी बस एक ही गलती ये हुई कि पहले वो शुरू में ही जब शुरुआत हुई मानव समाज और सब की तो वहां वो डोमिनेट नहीं कर पाए हाँ कुछ समाज ऐसे हैं ट्राइब्स कुछ ऐसे हैं जहां पर कहानी बिल्कुल उल्टी है बिल्कुल उल्टी है ऐसे मेरे छोटे भाई है पी एच डी कर रहे हैं सोशोलॉजी वो एक एक ट्राइब से मिलने गए तो वहां बिल्कुल कहानी उल्टी थी वहां हाँ वहां पुरुष काम मेल काम नहीं करते वो घर पे रहते हैं फीमेल काम करने जाती हैं वहां फीमेल डोमिनेंट है जैसे सात वाहन पढ़ोगे आप लोग हिस्ट्री में वहां उल्टी सोसाइटी थी तो कुछ कुछ सोसाइटी में ऐसा हुआ लेकिन हमने बड़े लेवल पर क्या क्रिएट किया ये और इसमें कंट्रीब्यूशन वही सब कहानियां हैं ज्यादातर यही है ज्यादातर यही है मोस्टली वो तो एक्सेप्शन है अपवाद हैं कुछ कुछ ट्राइब्स में ठीक है और हो सकता है कहानी बिल्कुल इसकी उल्टी रही हो और बाद में धीरे धीरे वो क्या हो गई और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है ये इकोनॉमी ये आर्थिक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऐसी लगभग 99 परसेंट मुझे लगता है कि फीमेल हैं जो शादीशुदा हैं और जो बिल्कुल अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती लेकिन मजबूरी में रहना चाहिए ऐसे मेरी बहन खुद ही है वो कहती है कि मेरी नौकरी लगे मैं तब तुरंत तलाक 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 कर दूंगी इस आदमी को <laughs> एक भी उसमें क्वालिटी नहीं है कि मैं उस लड़के के साथ रहूं एक भी क्वालिटी वो एम है बी है वो राइट और वो कुछ नहीं पढ़े लेकिन घर वाले भी जो मन आता है वो शादी कर देते हैं कुछ नहीं पता उन्हें वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट इस मेंटेलिटी से पीड़ित है वो व्यक्ति उनसे पूछे बिना वो अब घर नहीं मेरे घर नहीं आ सकती पूछना पड़ेगा घर जाना जब वो आदेश देंगे ऐसा लगता साम्राज्य के महाराजा महाराजाओं जब वो बोलेंगे कि हाँ अब चली जाओ तब वो आए और कभी कभी तो लेके आते हैं शाम को वापस लेके चले जाते हैं कि क्या है ऐसा छोड़ दो एक आध दो दिन के लिए रहे थोड़ा खुशहाल रहे आदमी जीवन में ठीक है क्योंकि जो जिस आदमी ने अपने जीवन के बीस पच्चीस साल जिस जगह गुजारे हैं वहां अच्छा लगेगा उस आदमी को तो रहने दो नहीं लेकिन पुरुष सत्तात्मक सोच है मुझसे बिना पूछे कैसे ये ये ऐसा नहीं है कि कहानी बिल्कुल छोटी सी है हर जगह की यही कहानी है और वो जरूरी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण वाला आदमी हूँ क्योंकि उसी समाज से निकले हुए हैं हम सब लोग बातें करना आसान है प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन करना बहुत डिफरेंट है ये सब पढ़ाने में बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन जब वो बातें हमारे ऊपर आती हैं तो कहीं ना कहीं जो मेल ईगो होता है वो हर्ट करता है ठीक है हमारे परिवार में बहनों से माता से बात करोगे आप तो हैं चीजें लेकिन बदल रहा है चीजें कुछ जो लोग थोड़े सोच ले रहे हैं पढ़ ले रहे हैं उन वहां चीजों में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन लगभग स्थिति अभी क्या बनी हुई है यही इसके पीछे की कहानियां ये कि ये क्या है हमारा समाज हमारी सोसाइटी ऐसी क्यों है कि फीमेल की कंडीशन जो है वो अभी भी नीचे है कम है ना ये लिटरेसी रेट वाला ये साक्षरता दर कम क्यों है उनकी इसीलिए कि पढ़ाना नहीं चाहते ठीक है जैसे मेरे ही घर में मेरे बड़े भैया उनको लड़का लड़की है लेकिन लड़के को पढ़ाने के लिए तैयार लड़की को नहीं बीस बाईस साल की वो शादी 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 पागल कर रखा है पूरे पूरे खानदान को पागल कर रखा है अरे रुक जाओ क्या शादी ही ऐसी करनी है लेकिन करनी है क्योंकि सोशल प्रेशर है उन पर सामाजिक दबाव है उनका कहना है लड़का है तो लड़की तो मिल ही जाएगी लेकिन लड़की अगर ज्यादा उम्र की होगी तो लड़का मिलना असंभव है कौन सा नियम है लेकिन वो नियम है समाज का नियम हम पढ़ लिख सकते हैं थोड़ा सा तो हमें लग सकता है कि चीजें बदल रही है लेकिन अभी भी सोसाइटी वही रुकी हुई है हमारा समाज वही है सम... पूरी दुनिया हमारे हिसाब से तो नहीं चल सकती गाँव में अभी भी चीजें शहरों में भी अभी भी चीजें वैसे ही काम कर रही है लेकिन हम पढ़ ही सकते हैं दिल पे नहीं लेना इन सारी बातों को ठीक है हाँ ले भी नहीं बदला ले सकते हैं नहीं ले सकते हो ले सकते हो कैसे ले सकते हो नहीं सुधार कैसे सुधार ऐसे अभी जो सिस्टम है वो रहने दो आप नया सिस्टम लेके आए राइट मेरी जैसे कि मान लो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर मैं चाहूं तो दो तरह से सुधार हो सकता है एक मैं अपने घर में अभी चीजें दिला दूं इम्पॉसिबल है एक ये कि मेरा परिवार बने और मैं वहां चेंजेस लेके आऊँ वो पॉसिबल है तो हम ये कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें इन चेंजेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी आप एप्लीकेबल करोगे तो वो आपको पापा मम्मी भैया बड़े और वो बहुत सारी चीज़ों से आपको टकराना लेकिन इतना तो कर सकते हो कि जो नेक्स्ट आपकी जनरेशन आने वाली है उनमें इन बातों को आप एप्लीकेशन में ला सकते हो आपका जो पार्टनर है उसके साथ आप इन बातों के आपके साथ जो अगर मान लो कि फैमिली में कोई लड़की है तो आप उसको पढ़ाओ फिर आएंगे वहां हम इसको एप्लीकेशन में ला सकते हैं ठीक है वो एप्लीकेशन फिर भी ठीक लगता है मुझे लेकिन अभी जो चल रहा है आप इसको नहीं बदल सकते लेकिन आने वाली चीजों में आप पावरफुल होंगे वहां आप अपनी फैमिली में कम से कम चीजों को चेंज कर सकते हो लेकिन देखा जाएगा फिलहाल यही है इसका एप्लीकेशन भी यही है और आपसे कभी पूछा जाए तो इसका आंसर भी तो आप समाज को कैसे बदल सकते हो हम बदल सकते हैं लेकिन अभी जो पुराना समाज है उसको तो ठीक है लेकिन आने वाली चीजों को तो कम से कम बदला ही किसको ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो करता ही नहीं रहेगा ना चेंज होंगी चीजें पुरानी चीजें जाती हैं और नई चीजें आती हैं एग्जिस्टिंग तो यही होगा कि एक्जिस्टिंग कि एग्जिस्टिंग का मतलब ये थोड़ी आज ही मैं कुछ बदल दूंगा एग्जिस्ट में जब तक करूंगा तब तक एग्जिस्टिंग चीजें होंगी तब मैं आगे देखना पड़ेगा ना उस बात को ऐसे तो नहीं हो सकता कि आज ही बड़ा सा बदलाव ले आए हम नहीं बड़ा सा बदलाव तो नहीं आ सकता और फिर भी एक जिलाधिकारी के पास तो बहुत पावर होते हैं वो बदल सकता है समझे चलो तो ये बात समझ आई हर जगह स्थिति वही है कहा पूरी कंडीशन में पूरी कंडीशन सेम वही है ले के सब कुछ वही जाके हो जाएगा और कहां से शुरू हो रहा है वो ये कहानियां यहां से शुरू हो रही है ये जो कहानी है राइट ये जो कहानी है और पूरी कहानी मैंने कई बार आपको सुनाई भी है कि पूरी कहानी में गलती किसकी है गलती किसकी महिलाओं की देखो क्या है वो महाभारत महाभारत में गलती किसकी राइट ना वो हंस गई बेचारी उसके पहले सब ठीक चल रहा था वो हंस पड़ी वहीं से पूरी कहानी शुरू हुई है ना बाइबल की एक बार मैंने कहानी सुनाई थी एडम और ईव वाली कि वो एडम जो थे वो अकेले रह रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूं तो उनको ईब मिली ईश्वर ने बनाया और उन्होंने कहा कि इसको नहीं खाना है एप्पल को और उन्होंने क्या खाया तो ईब के एप्पल खाने से एडम जो है कहाँ से निकले हेवन से आए यहाँ छे में यही कहानी कुरान में है कि आदम अकेले थे उन्होंने कहा कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए ईश्वर ने हवा बनाई और उन्होंने कहा कि देखो ये नहीं खाना है हमें लेकिन उन्होंने कहा मैं यही खाऊंगी और वो नाराज हो गई उनसे उन्होंने कहा मुश्किल तो तुम्हें मैंने पाया और ऊपर से तो तुम नाराज होने का खा लो जो खाना है तो, पर बात तो करो कम से कम ठीक है और उसी गलती से क्या हुआ वो दोनों कहाँ निकाल दिए गए तो ये ऐतिहासिक जो मैं कह रहा हूँ कहानियां इन कहानियों में किसकी गलती है पूरी और वो हमने बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ और हमने मान लिया कि लड़कियां कम अकलमंद होती हैं लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं वैसे नहीं होती इन सब कहानियों ने सब स्टोरी क्रिएट कर दी अगर वीमन एम्पावरमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा लड़कियों से पूछ रहा हूँ क्या क्या करोगी सबसे पहले मैं लड़कियों से पूछ रहा हूं जवाब मत दो लड़के और क्या करोगी बताओ क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं अरे ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं इनको पहले जला दो सबको जला दो का मतलब वो नहीं है कि माचिस लेके आग लगा दो जला दो का मतलब है जला दो का मतलब है सुनो जला दो का मतलब है कि इनको पढ़ो और लॉजिकली उनको क्रिटिसाइज करो जैसे सिमां

कान नाक क्यों ये क्यों मुझे समझ नहीं आता कि ये कानों में नाक में महिलाएं क्यों पहनती हैं है ना कितने समय जाना है क्या खाना है कैसे नहीं खाना बात कैसे करनी है अगर छींक भी आ रही है तो हम कैसे भी छीन सकते हैं लेकिन महिलाओं के लिए क्या है अगर उसने पुरुषों की तरह छीन दे तो अकल नहीं है मम्मी सिखा रही हो मम्मी सिखा रही है उसको ऐसे नहीं करते बेटा ऐसे ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी आखिर क्यों बुबुआर तो कह रही है कि ये ट्रेडिशन मुझे ही क्यों मिल रहे हैं किताब लिखी उन्होंने किताब का नाम है सेकंड सेक्स किताब का नाम क्या है उनका सेकेंड सेक्स उन्होंने कहा कि दो सेक्स हैं मेल और फीमेल उन्होंने कहा फीमेल कौन सा सेक्स है सेकेंड प्राइमरी फर्स्ट कौन है मेल क्योंकि मेल डोमिनेट कर रहे हैं सोसाइटी वो कह रही है सेकेंड कंडीशन पे आ गई है फीमेल पूरी किताब में उन्होंने यही लिखा कि हम पैदा नहीं होते ऐसे पैदा तो होते हैं तो एक जैसे रोते हैं पैदा होते हैं तो एक जैसे हंसते हैं पैदा होते हैं तो एक ही जैसे छींकते हैं लेकिन बाद में हमें हंसने का तरीका सिखाया जाता है बाद में रोने का तरीका सिखाया जाता है सोचो कोई लड़की ससुराल जा रही हो और विदाई के समय रोए ना <laughs> राइट तो रोना भी सिखाया जा रहा है कब रोना है मम्मी कान में कहती है कि देखो विदाई हो जाए तो रो लेना नकली वकली भी रो लेना बट रो लेना ताकि समाज में कम से कम नाक तो बने वो मैं नहीं कह रहा हूँ वो कह रही है कि रोना हंसना गाना खाना पीना पहनना हर चीज सिखाई जा रही है तो वो कह रही है कि लड़की पैदा नहीं होती वो क्या करते हैं हम लोग क्रिएट करते हैं जो मैंने कहा सोशल स्ट्रक्चर डिस्क्रिमिनेशन समाज का बनाया हुआ भेदभाव है ये समझे बात ये है इसी के अगेंस्ट काम करना है किसको लेके वेमेन इंपावर अच्छा देखते हैं देखा जाएगा अब जैसे जो करना है सो करते रहना वहां आगे लिखो मैंने समझा दिया जो करना है सो करते रहना अपने अपने लेवल कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है देखो इस अब एक और प्रैक्टिकली बात कि ये सब कहानियां अलग और प्रैक्टिकल है नहीं कैसे प्रैक्टिकल एक बार शादी होने के बाद महिला सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से कितनी भी सशक्त ना हो लेकिन घर में कौन सशक्त होता है इस बात को याद रखना हमेशा हाँ समझे आखिर पति को किसकी बात माननी पड़ती है ऐसे बात कर रहा हूं लेकिन स्थिति यही है जो हमने बात करी ठीक है अब चलो अब आप पूरी कंडीशन समझ आई पूरी बात समझ आई कि क्यों महिलाओं की स्थिति बुरी है अब रिफॉर्म क्या कर सकते छोटा सा पॉइंट लिख लो लिख लो रिफॉर्म्स क्या सुधार कर सकते हैं लिख लो सुधार चलो क्या क्या सुधार कर सकते हो बोलो क्या चेंजेस ला सकते हैं कंडीशन को सुधारने के लिए क्या कर सकते सबसे पहले तो लिटरेसी रेट बढ़ा देते हैं पहली बात साक्षरता में वृद्धि करो साक्षर करो लोगों को पहला सुधार में साक्षर साक्षर करो ठीक है दूसरा पॉइंट लिख लो पॉलिटिकल इंक्रीज़ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ दिमेन महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाओ महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता अच्छा क्या महिलाओं की लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना और बहुत सारी स्कीम चला रही है सर और क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या किया है थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन ग्राम पंचायत अभी थर्टी रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज राइट right, तो ये भी गवर्नमेंट ने किया है अगला पॉइंट लिख लो लिखो इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ वीमेन महिलाओं की रोजगार दर को बढ़ाना महिलाओं की रोजगार दर को बढ़ाना देखो एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है एम्प्लॉयमेंट में भी रोजगार में भी हमने क्या किया एक तो पहले से कम है वो और जहां है भी तो हमने क्या किया है कि कुछ काम केवल महिलाओं लिए रिजर्व कर दिए हैं जैसे बोलते हैं कौन सी जॉब पिंक कॉलर जॉब पिंक कलर रिलेटेड टू विमेन राइट तो उनको बोल दिया कुछ ऐसी जॉब्स हैं कुछ ऐसे काम जो केवल जैसे अपने यहाँ जो रिसेप्शनिस्ट या काउंसलर जो होगा वो कौन होगा लड़की क्यों क्या लॉजिक है इसका कोचिंग वालों को ऐसे लगता है कि लड़की क्यों होने से लोग आते हैं और बात सुनते हैं कुछ नहीं देखा है उन्हें पता है क्या कौन सी सोच पता है पितृ सत्तात्मक सोच पता है ठीक है कि कम से कम लड़के तो आ ही जाएंगे हाँ सीरियसली ये लॉजिक है इसके पीछे पूछना इन कोचिंग वालों से जाके आप पूछो कि आखिर रिसेप्शनिस्ट लड़कियां ही क्यों होती है आखिर रिसेप्शनिस्ट लड़के क्यों नहीं हो सकते रिसेप्शनिस्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो अपनी बात से आपको ये कर पाए कि आप एडमिशन ले लो वो कोई भी हो सकता है ठीक है कन्विंस कर पाए आपको आपको सहमति कर आप उसकी बात से ये समझ पाओगे कि हाँ ये कोचिंग अच्छी है वो लड़का है लड़की कोई भी हो सकता है लेकिन लड़की ही क्यों एयर हॉस्टिज लड़की ही क्यों होती है एक अब देखो ये कौन सा स्टीरियो है ये इनके दिमाग में पूरी अवधारणा बनी हुई कि लड़कियां शांत होती हैं बिल्कुल नहीं गलत सोच है ये सुन लो होती नहीं, हमने उन्हें बनाया है लड़कियां एक शांत लड़की कहेगा तो ये चीजें हमने क्रिएट की हुई है इसको बोलते हैं पिंक कॉलर जॉब लिख लो कहीं ब्रैकेट पिंक कॉलर जॉब क्या है आर रिजर्व कुछ नौकरियां केवल महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है एम्प्लॉयमेंट में लिख लो पिंक कॉलर जॉब बोलते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा लोग इससे बाहर निकल रहे हैं लड़कियां वो सब भी काम कर रही हैं जो कि लड़के करते हैं ऑटो रिक्शा चला रही हैं राइट आ, सैलून खोल रही हैं ट्रक चला रही हैं वो कुछ लोग हैं जो इन चीजों से अब बाहर निकल रहे हैं इन सब बातों को स्टोरी टैप से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं चीजों का लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम अब सोचो कि कोई ऐसा काम जो केवल लड़कियों के लिए जा रहा है उसमें कोई लड़का काम कर रहा हो बड़ा अजीब सा लगता है वो काम करते हुए जैसे कोई लड़का बोल दे कि मैं एयर होस्टेज हूँ बोल दे होता है वो बात मुझे पता है लेकिन बोले वो तो हम थोड़ा सा हंसेंगे कहेंगे अच्छा यार दिमाग में आता है तो तो मतलब आखिर क्यों हमने काम रिजर्व कर दिए राइट और हमने देखो कि वो काम लड़कियों के लिए रिजर्व करे हैं जहां पर लगभग बात इस बात से जुड़ी हुई है कि वहां लोगों को खुश करना है समझे जैसे यहाँ भी कोई सेंटर पे कोचिंग लेने एडमिशन लेने आ रहा है तो वो खुश होके जाए यहां से और वहां भी जहां सर्विस देने का मामला है वहां पर हमने लड़कियों तो ये हमारा एक है, है। एक सोच है। जस्टिफाई नहीं कर सकते पावर कम लगे क्यों कम लगे पावर कैसे पता पावरफुल वो कम है ये पता कैसे सवाल ये है अभी अभी ऐसा कौन सा काम होता है जिसमें पावर की जरूरत है इस रिसेप्शन में कौन सा पावर लगना है कौन सा वेट लिफ्टिंग का काम है कि रोज है? नहीं गलत है ये सोच कौन कह रहा है कि वो पावर वाला काम वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकती वो क्या कुश्ती नहीं लड़ सकती क्या वो हॉकी नहीं कर लड़कियां हर काम कर सकती लड़कियां हर काम कर सकती हैं लेकिन हमने बस रिजर्व कर दिया अरे तो बॉडी स्ट्रक्चर वीक है तो उसके लिए नियम बना रखा है ना कि कुश्ती महिला और महिला की होगी ना कि महिला और पुरुष की वेट लिफ्टिंग महिला और महिला का होगा ना महिला और पर स्टार्टिंग में हमने गलती करी अब उसको सुधारना पड़ेगा हमें और उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है पावर कम है इसलिए तो आप पुरुष और महिला को लड़वा ही क्यों रहे हो ये तो वही बात हुई कि एक सही आदमी को एक हैंडीकेट आदमी को लड़वा दो वही तो है अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द इंडियन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विधियों का समान संरक्षण उसी आदमी को ट्रीट करना है जो वहां पर है ओलंपिक पैरालंपिक में गेम होता है तो अलग अलग गेम हो रहे हैं वो अब हम उन चीजों को समझ रहे हैं और फिर से हम उन चीजों में इंप्लीमेंट चीजों को सुधार करने का कोशिश कोशिश हो रही है हमारी समझ रहे हो बात को तो पूरी चीजों को हम बदलने की कोशिश में है तो ये एक इशू था NCRT बहुत अच्छे से लिखा है एक बार जाके पढ़ना है इस पूरे चैप्टर को मैंने तो केवल की टर्म पर बात करी है इसका एनालिसिस बहुत अच्छा है उन्होंने इसको बोलते हैं जेंडर पॉलिटिक्स तो क्या है वर्ड इज द जेंडर पॉलिटिक्स क्या है जेंडर पॉलिटिक्स अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मेंट का मतलब क्या वट इज द मीनिंग ऑफ द विमेन इंपावरमेंट महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है तो क्या कहोगे अपलिफ्टमेंट ऑफ द विमेन कहा अपलिफ्टमेंट सोसाइटी में पॉलिटिकल में एंड इकोनॉमिक में महिला सशक्तिकरण का मतलब है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना राइट और अब ये जेंडर पॉलिटिक्स क्या है जेंडर पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है

इन्होंने कहा कि अगर फीमेल की कंडीशन बुरी है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है सबसे बड़ा फैमिली ये रेडिकल है कैसे हैं ये लोग रेडिकल फेमिनिस्ट हैं तो सिमंतु बबुआर कह रही है कि शादी नहीं करनी चाहिए बच्चे नहीं करने चाहिए थोड़ा सा रेडिकल वो मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी बातों की एक रेलिवेंसी है क्योंकि उन्होंने कहा शादी में क्या होता है कि लड़की को कहाँ जाना पड़ रहा है और बच्चे होने के बाद पूरा पालन पोषण किसको करना पड़ रहा है तो फीमेल जो है अपने लिए टाइम दे ही नहीं पाती है और उन्होंने खुद ही शादी नहीं करी पूरे ने। right. खुद नहीं करी उन्होंने एक राइटर है, है, में जाता है।, है भी साथ रहते थे, उन्होंने भी लिखा ये कि हाँ, ये बात ठीक है कि शादी नहीं करनी चाहिए लेकिन वो बातें एप्लीकेबल नहीं है उन्होंने बाकी जो अपनी किताब में लिखा उस मूवमेंट से बहुत सब राइट्स मिले किसको सोशल राइट्स मिले पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट समझ तो विमेन इम्पावरमेंट एंड

एक स्टेटमेंट में क्या कहोगे जेंडर पॉलिटिक्स को जेंडर पॉलिटिक्स मींस विमेन एंपावरमेंट यही तो मतलब हुआ उसका लैंगिक राजनीति का मतलब क्या है महिला सशक्तिकरण तो क्या लग रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो टर्म है विमेन एंपावरमेंट ये केवल रियलिटी है या एक मिथ है केवल झूठ है या सच्चाई में कुछ हो रहा है हो भी रहा है चेंजेस आ रहे हैं ठीक है चलो लेकिन केवल ये नहीं कह सकते कि एक रियलिटी है मिथ भी है है तो जैसे थर्टी थ्री परसेंट रिजर्वेशन ग्राम पंचायत वो रियलिटी है या मिथ है मिथ भी है वो, हाँ, है तो लेकिन वैसा होता नहीं है क्योंकि वहां प्रॉब्लम क्या है पति पति सरपंच की प्रॉब्लम है वहां पर क्योंकि काम कौन कर रहा है हाँ रिजर्वेशन में वो सीट तो जीत जाती है लेकिन महिलाएं वहां पर आ नहीं पाती तो ये जेंडर पॉलिटिक्स है राइट चलो हाँ वो फिल्म में भी था कौन से में पंचायत मूवी में भी था तो ये जेंडर पॉलिटिक्स थी हाँ लेकिन कैसे छोड़ेगी नहीं नहीं वो जाना चाहती है लेकिन नहीं नहीं देखो नहीं देखो जाना चाहती है लेकिन परिवार की मर्यादा परिवार का सम्मान उनकी पत्नी उनकी बहू जो है वो लोगों से बात करेगी गांव में ऐसा कैसे हो सकता है हमारे यहाँ पीढ़ियों से महिलाओं ने किसी से बात नहीं की है ये कौन सा लॉजिक है लेकिन है गांव में बड़ा फैक्टर है ये बोन प्रधान जी की बहू जो है जाके ग्राम पंचायत भवन में बैठेगी वो लोगों से बात करेगी आधा गांव तो देखने ही चला आएगा कि जो उनकी बहू है चलो जाके ऐसे नॉर्मली बात कराते हैं आधा आदमी गांव तो इसलिए आ जाएगा कि चलो नॉर्मली बात करके आते हैं इसलिए वो नहीं भेजेंगे वो कहेंगे हम फाइलें ही लेके आएंगे आप सिग्नेचर बहुत सारी चीजें हैं और वो इतनी आसानी से नहीं बदल सकती हैं फिर भी अब हाँ घूंघट लेके भी आ रही है लेकिन चीजें बदल रही है ये तो जेंडर पॉलिटिक्स अभी दूसरा पॉइंट क्या था हमारा चलो अब था हमारा रिलीजियस पॉलिटिक्स ठीक है चलो <coughs> तीन सौ छब्बीस ठीक है कोई बात नहीं मुझे पता है धार्मिक <laughs> राजनीति ठीक है रिलीजियस पॉलिटिक्स सबसे पहले व्हाट इज द रिलीजन व्हाट इज द रिलीजन धर्म या पंथ क्या है व्हाट इज द रिलीजन धर्म या पंथ क्या है धर्म या पंथ क्या है तो बोलो धर्म क्या है नहीं बोक क्राइटेरिया लेकिन धार्मिक कर्तव्य है धर्में है कर्तव्य और क्या है धर्म देखो रिलीजन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज रिलीजन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज धर्म कॉब्लिक करके पंथ भी लिखना उसको धर्म कॉब्लिक पंथ मूल्यों का एक समुच्चय होता है सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव एक समस्या होता है जिसके अनुयायी जिसके अनुयायी इन मूल्यों में गहरा विश्वास करते हैं फॉलोअर्स लिखो फॉलोअर्स इंग्लिश में लिखो क्या लिखा आपने वैल्यूज एंड बिलीव्स ठीक है नेक्स्ट मान फॉलोअर्स हैव डीप फेथ इन दीज वैल्यूज एंड बिलीव्स अनुवाई इन मूल्यों में गहरा विश्वास देखो हमारा जो रिलीजन है वो क्या है कुछ वैल्यूज हैं सर्टेन वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज को हम मानते हैं और कैसे मानते हो गहरे तरीके से मानते हो समझे कितने गहरे तरीके से बहुत ज्यादा गहरे तरीके से मानते हो क्या मंदिर से जाते हुए ऐसा कर सकते हैं कि हम नमस्कार ना करें प्रणाम ना करें तो वो अंदर से और अगर निकल भी गए तो लगेगा कि अरे कुछ तो पाप हो गया तो ये बेसवास कहा से बैठ गया हमारे अंदर ठीक है ये बचपन से हमें सिखाया गया ठीक है बचपन से हमें सिखाया गया तो ये धर्म क्या है यही है कि एक सेट है ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ और उनमें हम क्या करते हैं फेथ करते हैं राइट अब लो वही जो आप लोग बता रहे थे देखो क्राइटेरिया क्राइटेरिया फॉर द रिलीजन हाँ, कर्म किसने कहा ऐसा कहां से ये बात आपको पता चली कि धर्म जो है वो कर्म की बात नहीं करता है नहीं धर्म किस चीज को मानना जैसे मैं मानता हूं कि ये लैपटॉप जो है लैपटॉप जो है ये आ, डिस, जो कैमरा जो है ये मुझे लाइव कर रहा है तो क्या धर्म हो गया नहीं हाँ फिर देखो धर्म का मतलब मानना नहीं है धर्म का मतलब है कुछ आपके पास मूल्य है कुछ मान्यताएं हैं उनको आप बहुत गहरे रूप से मानते हो और जैसे कि ये कैमरा मुझे लाइव कर रहा है इसके पीछे आध्यात्मिकता नहीं है स्पिरिचुअलिटी नहीं है लेकिन रिलीजन में क्या होता है आध्यात्मिकता होती है हम ये मानते हैं कि ये मूल ये ये आदर्श कहीं ना कहीं जुड़े जुड़े हुए है? जुड़े हुए हैं, हैं। ईश्वर से धर्म और सांप्रदायिकता में अंतर अभी ये सब बातें बताऊंगा अभी मैं बताऊंगा आपको कि पंथ और धर्म में क्या अंतर होता है फिर मैं ये बताऊंगा आपको कि पंथ का होना बुरा नहीं है लेकिन जब हम अपने पंथ को अन्य पंथों की तुलना में ऊपर मानने लगते हैं तो वो सांप्रदायिकता कहलाती है ये सब बातें भी बताऊंगा ठीक है कर्म क्या है वो भी बताऊंगा अभी पहले लिखते जाओ बस सिक्वेंस ठीक है अभी सारे सवाल आपके जो है क्वेश्चन वो सब समाप्त हो जाएंगे क्या हो जाएंगे जैसे मार्क्स कहता है कि राज्य और वर्ग एक दिन समाप्त हो जाएगा ऐसे ही आपके सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे ठीक है अब लिखो पंथ को मानने के लिए मानदंड पंथ को मानने के लिए मानदंड मापदंड या मानदंड क्राइटेरिया और रिलीजन पहला क्राइटेरिया क्या होगा लिख लो वन बुक हाँ मानने के लिए मानदंड एक एक, पहले एक ईश्वर लिखो ना पहले ईश्वर आएगा एक ईश्वर वन गॉड एक किताब एक पवित्र स्थान हाँ एक पैगंबर पैगंबर का मतलब होता है मैसेंजर वन मैसेंजर ठीक है कुछ निश्चित नियम कुछ निश्चित नियम देखो वन गॉड वन बुक एक होली प्लेस वन मैसेंजर सर्टेन फिक्स्ड हाँ रूल्स और वैल्यूज हिंदी में तो लिख दिया मैंने ठीक है ए बातें बताती है कि कोई कम्युनिटी रिलीजन है या नहीं राइट right? जैसे कितने रिलीजन है इंडिया में बहुत रिलीजन जैसे हिंदू अरे रुक जाओ इन्हें नहीं पता है ना जल्दी में क्यों हो हाँ तो इन्हें तो नहीं पता है ना जो पहले से आए बेचारे कितने रिलीजन हो सकते हैं इंडिया बोलो हिंदू है और क्या है मुस्लिम है और ठीक है ईसाई हैं भारत में और बौद्ध हैं और जैन हैं पारसी हैं ऐसे बहुत सारे धर्म हैं पंथ हैं रिलीजन है तो अगर हम बात करें मुस्लिम की तो मुस्लिम धर्म में एक ईश्वर है बिल्कुल है जैसे क्या बोलते हो अल्लाह मुस्लिम धर्म में एक किताब है जैसे क्या बोलते हो कुरान मुस्लिम धर्म में एक पवित्र स्थान है मक्का मदीना मुस्लिम धर्म में एक पैगंबर है हजरत मोहम्मद मुस्लिम धर्म में एक निश्चित पांच निश्चित नियम है तो है रोजा है नमाज है हज है और जकात है ये पांच नियम है तोहिद का मतलब होता है हाँ तोहिद तो का मतलब होता है बिलीव इन गॉड ईश्वर में विश्वास करना पहला नियम है अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उससे कहा जाता है कि पहले एक नियम होता है उसको कहते हैं ला लाह मोहम्मद रसुल्ला नियम है ये कलमा है इसको पढ़ना होता है आपको ये आपने पढ़ते ही आपने इस्लाम धर्म अपना लिया और आपने विश्वास कर लिया कि ला लाह मतलब एक ही गॉड है एक ही ईश्वर है इसका मतलब ही अनुवाद ही यही है और उसका पैगंबर कौन है पैगंबर मोहम्मद है इस लाइन का ही मतलब है सबसे पहले यही लाइन आपको जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसके कान में सुनाते हैं और उसे क्या पता बेचारे को कि कान में क्या सुना रहे हो वो बड़ा होता है और उसको सिखाने लगते कि बचपन में कान में सुना दिया था कि एक ही ईश्वर है एक ही पैगम्बर है, है इसी को मानो और ये वैल्यू इतनी गहरे रूप से होती है कि अगर आपने एक ईश्वर के, के कम्पेटिवली किसी और ईश्वर को मान लिया तो इस्लाम में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है स्वीकार ही नहीं है एक ही ईश्वर है ठीक है तो पांच नियम है तोहिद मतलब बिलीव इन गॉड तोहीद है रोजा है नमाज है हज है और जकत है नमाज पढ़ो रोजा रखो हज करो और जकात का मतलब है दान दो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपको दान दान देना इस्लाम धर्म का एसेंशियल रूल है जैसे चार है ना विश्वास करना नमाज पढ़ना रोजा रखना हज जाना और पांचवा नियम है दान देना एसेंशियल एलिमेंट है अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप उसका एक दस परसेंट है उसमें क्राइटेरिया है जो बकरीद होती है ना हम लोगों की सुनो अगर बकरा ईद जो बकरे कटते हैं वो क्या है वो त्योहार दान देने के लिए ही रखा गया है उसमें कहा गया कि आपकी जो बहुत संपत्ति होती है आपको उस संपत्ति में से कुछ निकाल के आपको बकरा खरीद के गरीबों को खाने के लिए दे देना है अपना पैसा दान कर देना है अभी लोगों ने उस त्यौहार को गलत तरीके से मॉडिफाइड करके वो खा पी के अपना मस्त हो जाते हैं लेकिन ऐसे नहीं होता है उसमें होता है जैसे खाना जैसे मान लो कि गरीबी बहुत ज्यादा थी सऊदी अरेबिया में तो उन्होंने कहा कि आप एक बकरा खरीदो या एक ऊँट खरीदो और जो गरीब लोग हैं उन्हें बांटो आप उसका एक छोटा हिस्सा अपने पास रख सकते हो बाकी गरीबों में उसको बांटना है लेकिन अब होने क्या लगाया वो ऐसे लोगों को नहीं दिया जाता है जिनके पास पहले से है जरूरी नहीं है कि आप बकरा ही काटो आप उस पैसे को लेके भी गरीबों में बांट सकते हो आपको जकात करनी है आपको दान देना है तो पांच नहीं है तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर मुस्लिम क्या है इस्लाम क्या है मुस्लिम नहीं इस्लाम क्या है एक इस्लाम एक रिलीजन गया ऐसे ही ईसाई में भी एक ईश्वर है गॉड एक किताब है बाइबल एक पवित्र स्थान है पैगंबर है ईसा मसीह और कुछ निश्चित नियम है इनके हर फ्राइडे को जाएंगे कुछ निश्चित नियम ऐसे ही इनके है, इनके है, इनके हैं लेकिन ये हिंदू जो है हिंदू रिलीजन हिंदू एक रिलीजन नहीं क्योंकि हिंदू का एक गॉड हिंदू में अपने अपने भगवान है कितने देवता है तैतीस करोड़ तो वो निश्चित है उसके अलावा भी आप अपना खुद का बना सकते हो कोटी है करोड़ नहीं है अब ये कोटि चलो ठीक है तैतीस प्रकार के मान लो एक प्रकार है तो तैतीस करोड़ होगा ठीक है अब मान लो अपना भी आप उसके अलग बना सकते हो मान लो कि मैंने ऐसे कुछ बना दिया मैंने कहा भगवान है ठीक है एक्सेप्ट है आप भगवान अपना मान सकते हो किसी को भी मान सकते हो बाबा बागेश्वर को भी भगवान मान सकते हैं लोग तो ये अब यहाँ एक किताब भी नहीं है कितनी किताबें हैं बहुत सारी एक पवित्र स्थान भी नहीं है एक पैगंबर भी नहीं है और एक निश्चित नियम भी नहीं है सब अपने अपने तो हिंदू रिलीजन को हम क्या नहीं मानते हैं रिलीजन नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो कहा हिंदू क्या है तो कहा कि हिंदू जस्ट अ वे बे ऑफ ऑफ बे लाइफ जीवन जीने की एक पद्धति है आप सनातनी है। हाँ। धर्म के लोगों का कुछ फिक्स्ड होता है ठीक है जैसे आर समाज के लोगों का अपना फिक्स्ड है कि उनके ईश्वर हैं उनकी किताब है सत्य सोधक जो है वो है। तो इन हिंदू हिंदू एक जियोग्राफिकल एंटिटी है हिंदू रिलीजन नहीं है हिंदू क्या है जो भी इंडिया में रह रहा है वो सब क्या है वो हिंदी है। उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू बुक्स को और हिंदू गॉड को मानने लगो नहीं नहीं, नहीं। सनातन हिंदू में सब आ जाएंगे। नहीं अगर मैंने ऐसे बोला होता तो फिर इन्होंने सबने सुना होता तो आपने गलत सुना नहीं ये बात करेक्ट करना है सनातन एक हिंदू है सनातन एक रिलीजन है हिंदू रिलीजन नहीं है हिंदू का मतलब है एक जियोग्राफिकली एरिया क्योंकि बोला ना मैंने कि सिंधु के इस तरफ आना था वो अरबियों को तो उन्होंने हिंदू कहा उसको सा नहीं यूज किया तो हिंदू वर्ड उन्होंने यूज किया था एक जियोग्राफी के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए जियोग्राफिकल एंटिटी तो सनातनी जो है वो हिंदू वो धर्म है हिंदू धर्म नहीं हिंदू ए वे ऑफ लाइफ ठीक है मैं भी मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो मैं भी हिंदू हो सकता हूँ सब हिंदू हो सकते हैं लोग बोलते हैं कि मुस्लिम हिंदू है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हिंदू एक जियोग्राफी है एक एरिया है वो सिंधु के जो इस तरफ रह रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान स्थान का मतलब क्या होता है आप प्लेस ऑफ रेजिडेंसी रहने का स्थान पाकिस्तान कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान का मतलब उज्बेक उज्बेक रहते हैं का मतलब यहाँ किस्त लोग रहते हैं कजाकिस्तान में कजाक कम्युनिटी के लोग रहते हैं स्थान का मतलब रहने की जगह ऐसे हिंदुस्तान का मतलब है जो हिंदू सिंधु के इस तरफ रह रहे हैं वो सब क्या है वो हिंदू है हिंदुस्तान वो ईश्वरी सनातन ही नहीं हो सकते क्योंकि सनातन एक रिलीजन है और हर रिलीजन का अपने अपने मूल्य जो है वो अलग होते हैं फिक्स्ड नियम होते हैं राइट तो ये हमने पढ़ा कि रिलीजन किसे कह रहे हैं और रिलीजन किसको मानोगे अभी हाँ क्योंकि आर्टिकल 25 में हिंदू को रिलीजन डिफाइन किया है ठीक है इसलिए ऐसा करते हैं